विधायकों के अयोग्यता मामले में आज विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का गुट कहें या फिर कांग्रेस कहें, काफी नाराज नजर आ रहे हैं। मेरे साथ संजय निरुपम जी हैं, कांग्रेस के नेता। सर, क्या कहना चाहेंगे? फैसला बहुत टाइम से कई सारे लोगों को इंतजार था इस फैसले का, और आज इसका फैसला आ चुका है। कई सारे लोग नाराज नजर आ रहे हैं, उद्धव गुट भी हर जगह इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लगभग 18 महीने से लंबित फैसला आज निकल के आया, और जैसा हमको पता था कि यह फैसला ऐसा ही कुछ होगा जिसमें एक असंवैधानिक सरकार को समर्थन देने वाला होगा। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जो बुनियादी गलती की है वो ये है, उनके समक्ष विषय ये था कि संविधान के 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, इस पर आप फैसला दीजिए। जिन शिवसेना के विधायकों ने दल बदल किया और एक नई सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो जायज था या नाजायज था, उनको इस पर फैसला करना था। वो अयोग्य रहेंगे या अयोग्य रहेंगे? अध्यक्ष महोदय ने फैसला दिया कि शिवसेना किसकी है। अध्यक्ष महोदय इस चक्कर में पड़ रहे हैं कि शिवसेना का कौन सा संविधान सही है, कौन सा संविधान गलत है, यह विषय नहीं था। अब उन्होंने फैसला कौन से आधार पर दिया? तो चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर। चुनाव आयोग का फैसला बाद में आता है, पहले दल बदल हो जाता है। पहले सदन में शिवसेना के विधायकों ने पक्षांतर किया, यानी दल बदल किया है, जिससे संविधान में जो वर्णित 52वां संशोधन है, जिसके तहत 10वीं अनुसूची के आधार पर यह तय होता है कि यह दल बदल है कि नहीं, और अगर दल बदल है तो इन विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए कि नहीं, यह तय करने वाली वो व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को देखने, समझने और उस व्यवस्था के आधार पर फैसला करने की जिम्मेदारी विधानसभा के अध्यक्ष की होती है, और सदन के अंदर अगर विधानसभा का अध्यक्ष जो फैसला देता है तो अमूमन उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी होता है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है और संविधान में भी यह वर्णित है। अब चूंकि उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर अपना फैसला दे दिया है, तो अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत आसानी से खुल सकता है। अब यह फैसला सही है कि गलत है, इस पे अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना है। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी इस पूरे विषय को लेकर कोर्ट के पछड़े में बहुत ज्यादा पड़ने के बजाय एक 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 हद तक उस पर नजर रखी जा सकती है, काम किया जा सकता है। बहुत जरूरी यह है अब कि जनता की अदालत में जाया जाए, और जनता की अदालत में जाकर के यह विषय रखा जाए कि कैसे अन्याय हो रहा है, कैसे संविधान को ताक पर रख दिया गया है, कैसे एक गैर संवैधानिक सरकार को बचाने के लिए संविधान की जो प्रावधान है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सर, ऐसा आपके साथ कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये पहले से ही तय था, इसके बारे में पहले से ही प्लानिंग की गई थी कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, ऐसा क्यों? मैंने बताया ना कि ये तो हमें पहले से पता था, और इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत अप्रत्याशित फैसला नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान की धाराओं का सम्मान होना चाहिए। जो राजीव जी के जमाने में 52वां संशोधन पास हुआ था संविधान का, जिसके तहत 1985 में संशोधन पास हुआ था, जिसके तहत इस देश में आया राम गया राम की जो एक बड़ी गंदी प्रथा थी, कुप्रथा थी, उसको नष्ट करने का एक काम शुरू हुआ था, एक संकल्प लिया था इस देश के संसद ने, उस संकल्प की धज्जियां उड़ा दी गई। और कहीं ना कहीं उस संकल्प से हम सब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, और ऐसे में आज शिवसेना है, कल को कोई भी पार्टी हो सकती है। तो ऐसे में उस संविधान का संविधान के प्रावधानों का सम्मान होना चाहिए, इसकी चिंता सरकार को और विधानसभा अध्यक्ष को करनी चाहिए थी, दुर्भाग्यवश उन्होंने नहीं किया। लोकसभा चुनाव का बस कुछ ही समय बाकी है, और आप कह रहे हैं कि जनता के दरबार में जाना चाहिए, तो किस तरीके से प्लानिंग होगी, क्या रणनीति होगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या आप जाएंगे, तो क्या आपकी दलीलें होंगी? अब दलीलें क्या होगी ये तो वकील लोग तय करेंगे, और पूरी प्लानिंग क्या होगी चुनाव प्रचार की ये दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता तय करेंगे, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। जी, जनता के सामने आप क्या बात रखेंगे सर? फिर जनता के सामने तो बात रखनी पड़ेगी, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे एक गैर संवैधानिक सरकार को मान्यता दी जा रही है, कैसे एक 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 विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने उनकी जो जिम्मेदारी थी संवैधानिक, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय वो कहीं ना कहीं फर्जी मामलों का आधार लेकर के असली शिवसेना कौन है इस पचड़े में पड़ रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिवसेना कहें, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे या फिर कांग्रेस कहें या एनसीपी कहें, सभी का ये निर्णय तय है कि अब जनता के दरबार में जाया जाएगा और जनता से बात होगी।